अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस क्लास 5 लेसन नंबर 2 यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल ऐसे जानदार जो नज़र ना आने वाले, जो माइक्रोस्कोप से सीधे नज़र आते हैं उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ सेहत एंड डिजीजेज और बीमारियाँ। अब वो कह रहे हैं रिकॉल करें, मतलब कि उन्होंने कहा है कि अपनी जो पिछली जुमात में आप पढ़ चुके हैं उसे रिलेटेड क्या है, फूड कंटेन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी, मतलब हमारे जिस्म को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें चीज़ें क्या क्या शामिल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। अ बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी, अगर हम एक मुनासिब या मुतवाजन ग़ज़ा इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम सेहतमंद रहते हैं। गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल, अगर हमारे खाने पीने की आदतें अच्छी होंगी या तरीक़ाकार अच्छा होगा तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। ठीक है, ये आप पिछली जुमात में पढ़ चुके हैं। अब उन्होंने इस चैप्टर में हमें क्या बताना है, अब बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, कि बैलेंस डाइट जो है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। देर आर वेज टू प्रिजर्व फूड टू कीप इट फ्रॉम फ्री इट फ्री ऑफ जर्म्स, खुराक को किस तरह प्रिजर्व किया जाता है और उनको जरासीम से पाक किस तरह किया जाता है। देर आर मैनी वेज ऑफ कीपिंग हेल्दी, सेहतमंद रहने के बहुत से तरीके होते हैं। सम डिजीज आर कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगती हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे जरासीम से लगती है, जरासीमों से। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे होते हैं, मुफीद होते हैं। डिजीज आर स्प्रेड इन अ नंबर ऑफ वेज, बीमारियाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से फैलती हैं, बट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल, लेकिन उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में इसको समझेंगे इन चीज़ों के बारे में। Let's start. All foods contain substances which the body require. तमाम खुराकों में या सारी खुराकों में वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होती हैं। Some foods are better than other, कुछ खुराकें दूसरों से बेहतर होती हैं, because they have a higher food value, क्योंकि उनकी food value बहुत ज़्यादा होती है। अब food value का क्या मतलब है, आगे हमें बता रहे हैं। दिस मीन, इसका मतलब है दे कंटेन मोर सब्सटांसिस दैट द बॉडी कैन यूज़, कि उनमें वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमारा जिस्म इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, डू यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू, क्या आपको पता है कि खुराक आपके लिए अच्छी भी नहीं हो सकती या बुरी हो सकती है। ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड कैन बी बैड फॉर यू, एक ही किस्म की खुराक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईटिंग टू लिटल ऑफ सम फूड्स, और कुछ खुराकों का बहुत कम इस्तेमाल कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता या बुरा हो सकता है। ठीक है, आप ये कंसेप्ट चेक कर रहे हैं। व्हाट डू दीज फूड आइटम्स कंटेन, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द आंसर्स। अब ये उन्होंने जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, आगे पीछे करके लफ्ज रखे हुए हैं जिनसे कुछ लफ्ज बनता है। अब सबसे पहले पिक्चर में आप देखें ये क्या चीज़ होगी, दिस फूड कंटेन्स डैश, अब इससे लफ्ज बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो डैश में आप क्या लगाएंगे, प्रोटीन। दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें, ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दिस फूड कंटेन्स, अब ये जो पिक्चर है इस फूड की बात कर रहे हैं, दिस फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर्स एंड अ लिटिल प्रोटीन, दे गिव यू एनर्जी। नेक्स्ट वाला देखें, ये बनता है विटामिन्स, दिस फूड कंटेन्स विटामिन्स मिनरल्स एंड फाइबर, दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी। ठीक है, ये था हमारा पेज नंबर 11। नाउ इट इज पेज नंबर 12, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑल्दो यू कैन ईजीली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स दैट यू सी, अगरचे आप
बहुत आसानी से गिन सकते हो उन बड़ी चीज़ों को, उन बड़ी जिंदा चीज़ों को जो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो जिंदा चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, हम उन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू दैट आर वेरी टाइनी। आपके इर्द गिर्द हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे जानदार हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम इन छोटे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम, क्योंकि उनको देखने के लिए हमें एक बहुत ताकतवर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इन द एयर, हवा में, इन वाटर, पानी में, इन सॉइल, मिट्टी में, इन आर ओन ओवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर या हमारे जिस्म के ऊपर, एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, और हर चीज़ की सतह पर। इन एवरी डे लैंग्वेज पीपल यूज द वर्ड जर्म्स, हर रोज़ की जुबान, हर रोज़ की जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें लोग क्या कहते हैं, जर्म्स इनको कहते हैं, जरासीम। व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते हैं तो उनका दूसरा नाम क्या होता है, जर्म्स, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। दी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, जो लोग जिस ब्रांच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ाया जाता है उस ब्रांच का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, और जो लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी इकसाम है। देर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चार मेन हिस्से हैं या ब्रांचेस हैं। देज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई, ठीक है। इनमें ये सब चीज़ें शामिल हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ एंड फंजाई है। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट टाइप्स, और ये हमारे जिस्म को मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज करते हैं। Some living things are made up of only one cell, कुछ जिंदा चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होती हैं, एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल पे मुश्तमिल हो उनका क्या नाम होता है, यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि उनको माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता। ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, इंसान और जानवर और पौधे जो होते हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में सेल से बने हुए होते हैं और इनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऐसे होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आ सकते, उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वायरसेस वाला टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा, अल्लाह हाफिज़।